हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। खूबसूरत गुलाब खिले हुए हैं मेरे गार्डन में और थोड़ा लेट है, गर्म है मौसम, लेकिन इस बार कुछ इनकी भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। कल परसों मैंने कटिंग की थी जिसका वीडियो मैंने अपडेट किया था, और अब ये बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी कटिंग हो गई है और इन पर लोड काफ़ी कम हो गया है और फूल बहुत ही सुंदर खिल रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने प्यारे वाइट रोज़ हैं, और ये इसकी बराबर में देखिए इधर टाइगर रोज, ये खूबसूरत लाइन से खिले हुए फूल एक ही प्लांट पर, और ये बहुत ही डार्क पर्पल कलर का रोज़ ये अभी खिला है, कई दिन से कलियाँ ही आ रही थी। देखिए कितने फूल हैं इसके ऊपर, आप देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है इस पर, और इधर में ये ग्रीन है इस पर भी 2, 3, 4, 5, 10, 12 फूल इस पर हैं। ये बंच है पूरा, आप देखेंगे तो ये बंच है फूलों का, काफ़ी खूबसूरत। इधर में आ जाते हैं, इधर में लाइट पर्पल कलर का है, और ये पीस रोज़ जो मैंने उस दिन आपको बताया था, और इधर में भी फूल हैं, फूल बहुत खिल रहे हैं। कटिंग कल की थी मैंने और मुझे एक बहुत बड़ी समस्या का पता चला, मैं कुछ दिन से पानी नहीं दे रहा था, पानी मम्मी सर्वेंट्स से दिला रही थी तो सर्वेंट्स ने गड़बड़ कर दी, जो कि बड़ी ख़तरनाक है। मैं आपको उस गड़बड़ के बारे में बताता हूँ, अगर इस पर मेरा ध्यान कटिंग के दौरान नहीं जाता तो 15 से 20 दिन में मेरे प्लांट्स मरने शुरू हो जाते। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि समस्या क्या है और ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है प्लांट्स में। गुलाब की ही नहीं बात है, सभी प्लांट्स की बात है, लेकिन गुलाब को ख़ास तौर से इफ़ेक्टेड करती है ये समस्या। आप देखिए यहाँ पर इस एरिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे पानी देने की, पानी जो दिया गया है वो जेट टाइप दिया गया है, जिससे कि वो लच गए, दूसरे पेड़ को गिरा दिया है, कोई बात नहीं, इसे खड़ा कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक गड्ढा हो गया है, इसकी जो बारीक रूट हैं जो तने के करीब हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। ये बहुत गलत है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रूट यही होती हैं, और इनके एक्सपोज होने से इनमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और हो भी जाती हैं। अभी जस्ट मेरा एस्टर का एक प्लांट इसी तरीके से मरा है, और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्सपोज हो गई है। ऐसे हुआ है कि फुहारा पानी को जो है मोटी धार से दिया गया है, इनके पाइप सीधा कर दिया गया है इसकी जड़ के पास, और ये जड़ की सारी मिट्टी हट गई है। ऐसा एक गमले में नहीं, कई गमलों में हुआ है, क्योंकि पानी देने का तरीका एक ही रहा है देने वाले का, उसने इस तरीके से दिया है कि सारे में रूट एक्सपोज हो गई हैं। ये बड़ी समस्या है और ये प्लांट्स को मार देती है। यदि महीना भर अगर ये खुली रह जाती तो ये निश्चित तौर पे मर जाते, और 2-3 गमलों में और है ऐसी दिक्कत। तो ये समस्या पैदा अगर हो गई तो आप समझिए कि आपके प्लांट का मरना तय है। इसका इलाज ज़रूरी है, इसका इलाज ये है कि तुरंत आप इन्हें कवर कीजिए। जो नुकसान हो चुका होगा वे तो हो ही चुका होगा, आप देख सकते हैं कि कितनी ड्राई हो चुकी हैं, ब्लैक पड़ चुकी हैं यहाँ पे रूट। रूट बहुत कोमल होती हैं, उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहिए, जो और ख़ासतौर से प्लांट के करीब वाली। दूर की रूट्स तो मैंने आपको सॉइल बदलते समय दिखाया था कि काट के अलग कर सकते हैं, लेकिन प्लांट के करीब में जो रूट्स होती हैं उन्हें किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होने देना चाहिए। तो ये ओपन हो गई हैं बिल्कुल, तो ये डैमेज हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन्हें कवर करें। तो चलिए इन्हें कवर कर देते हैं ताकि अपने प्लांट को नुकसान से बचाया जा सके। और हमेशा बारीक फुहार बनाकर ही पानी दें, क्योंकि अगर फुहार बनाकर पानी नहीं देंगे आप तो ये इस तरह की समस्या आएगी, जहाँ भी मोटा जेट गिरेगा पानी का वो इस तरीके से मिट्टी को हटा देगा, और ये हटी हुई मिट्टी बहुत ख़तरनाक है। रूट एक बार एक्सपोज हो गई तो समझिए प्लांट ख़त्म है। पानी देना भी एक आर्ट है, और उसको आपको सीखना ही होगा अगर आप प्लांट आपके पास हैं, क्योंकि देखिए प्लांट हो या एनिमल, अगर आपने रख रखे हैं, देखिए ये सब रूट्स खुल गई हैं इनकी, और ये बड़ा ख़तरनाक है पौधों के लिए। फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है इस कंडीशन में, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस लग जाती है जड़ों को, और पूरा प्लांट धीरे धीरे मुरझा जाता है, उसकी पत्तियाँ झुक जाती हैं, तो ये बड़ा ही ख़तरनाक है पौधों के लिए। सॉरी, तो आप इसमें सॉइल डाल दीजिए
और इस तरह की प्रैक्टिस को बिल्कुल मत कीजिए जो कि आपके पौधों की रूट को एक्सपोज कर दे। और ये देखिए यहाँ पर भी यही समस्या है, इसमें भी थोड़ी सॉइल लेंगे और सॉइल को इसमें भर देंगे, काफ़ी सॉइल हट गई है। ये सब बहुत ज़्यादा हैवी जेट की वजह से हुआ है कि बहुत ही मोटी धार से पानी दिया गया है, पाइप को सीधा ही रख दिया गया गमले में, जिससे कि ऐसा हुआ। अगर इस पे ध्यान ना जाए तो महीना भर आप मान के चलिए कि महीने भर में प्लांट का मरना तय है, क्योंकि ये रूट सबसे सेंसिटिव होती हैं जो कि प्लांट के करीब में होती हैं। और आपको मैं यही शेयर करना चाहता था कि ये गलती कभी ना करें कि इस तरीके से रूट एक्सपोज हो जाए आपके प्लांट की, हमेशा बारीक फुहारा बनाकर पानी दें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।